Hey guys and welcome back to my channel RJ14 Vlogs, and today we are riding towards one of the seven wonders of the world, Tajmahal. And today we are with Jaipur Bikers ka group hai. So time is now 7:20 and 21st October is today. अभी बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए रुके हैं. सारे राइडर्स अभी असेंबल हुए हैं. थोड़े बहुत राइडर्स पीछे रह गए थे, अभी सारे लोग आ गए. अब हम सीधा ताजमहल जा रहे हैं. और आज मैं पिलियन राइडर हूँ. आज मैं मेरी बाइक नहीं लेकर आया, मेरी आरएस. आज मैं एज अ पिलियन आया हूँ मोहित भैया के पीछे. अभी देखते हैं कोई मेरे को मुँह लगा रहे तो और किसी के पीछे ही बैठ जाऊँगा. ओके सो गाइज, नाउ वी आर अगेन बैक ऑन रोड और हम आगरा के लिए निकल चुके हैं. मैं अभी मोहित भैया के पीछे एज अ पिलियन हूँ. आज अपनी बाइक तो लाया नहीं, आगे मैंने आपको जैसे बताया था मोहित भैया के साथ हूँ. और अरे बार पीछे एक ही बाइक है, बाकी के राइडर थोड़ा पीछे है. हम लोग अभी यहाँ हैं, आगे आ गए हैं काफ़ी. टाइम हो गया है 7:40 और एस्टिमेट टाइम लगा रहे हैं कि शाम तक वापस आ जाएंगे 4-5 बजे तक, जो कि मुझे लगता नहीं कि आ पाएंगे 4-5 बजे तक. अभी ब्रेकफास्ट तक करना बाकी है. ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे, कम से कम एक घंटा लग जाएगा. फिर और टाइम लगेगा घूमने फिरने में आगरा में, ताजमहल वगैरह में, फोटोग्राफी एंड ऑल करते करते. आज लेट हो ही जाएगा घर पहुँचने में, जूत पड़ेंगे. लुक एट दिस सीन, हाईवे पे जो हवा चल रही है ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसी हवा सिटी में ज़रा सी भी नहीं चलती. सिटी में एकदम गर्म हवा पॉल्यूशन की. अभी जो यहाँ जो फील आ रहा है ना, मैंने तो वैसे कैमरा थोड़ा लेट ऑन करा है. थोड़ा पहले ऑन करा होता तो अराउंड जिस टाइम निकले थे 5 बजे, तो 6 से 7 के बीच में जब थे हम हाईवे पे, तब और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था. अभी तो फिर भी हल्की हल्की सूरज की वजह से थोड़ी गर्म हो गई है हमारे. और अभी हम लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे बाकी के राइडर्स काफ़ी पीछे रह गए. सिर्फ एक KTM आई है हमारे साथ भी पीछे, बंदे बहुत पीछे रह गए. तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा. बाय द वे इस राइड पे मैं मेरा हाइड्रेशन पैक यूज़ कर रहा हूँ. अभी मैंने उसे टांग रखा है, भी दिखा नहीं सकता. कल ही डिलीवर हुआ था मेरे को, मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह कर दी. हाइड्रेशन पैक की मैं अलग से आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके अलग से एक वीडियो में दिखा दूँगा. बाकी सभी राइडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन पैक, काफ़ी अच्छी चीज़ है. आ गए हमारे प्रणव भैया. या बस आराम से मॉन्क ऑन टू व्हील्स.
ज्ञान दे रहे हैं, सुन लो। रेगुलर जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से अभी एसिड रेन होती है, उस वजह से पूरा इसकी चमक चलेगी। आप भी देख लो क्या बता रहे, येलो हो गया, ये देखो पूरा ताजमहल येलो गया, येलो टेंटी फैलो। और ध्यान से दिखा देते हैं। मोहित भैया वो बात तो बताओ, वो जो लोगों को बता रखे कि हाथ काट दिए थे, वो हाथ नहीं काटे थे, उनको बहुत सारा पैसा दिया गया था कि वो अपना जीवन यापन कर सके फ्यूचर में और अपनी पीढ़ी चला सके। सो गाइस जो स्टोरी थी कि जिन्होंने ये जो कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उसके बारे में सबने स्कूल में यही पढ़ा है कि उनके हाथ काट दिए गए थे। एक्चुअली में अभी हमको गाइड ने बताया, अभी कन्फर्म नहीं, गाइड ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हाथ नहीं काटे थे, उनको बहुत सारा पैसा मिला था और उनकी आज भी जो पीढ़ी है वो ताजमहल के बाहर की तरफ जो है एंट्रेंस है वहाँ पे वो आज भी कारीगरी का ही काम करते हैं, उनकी जो आगे की पीढ़ी है वो। बाकी यहाँ से कुछ सीन देखो आप लोग, फोटोग्राफी करने वाले। सो गाइज ये देखो, ये नाला है पूरा, पहले यमुना नदी कहा जाता था, पहले के टाइम में ऐसे यमुना नदी कहा जाता था, अब ये नाले में बदल चुका है पोल्यूशन और कचरे की वजह से। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके सामने की तरफ जो है काला वाला ताजमहल जो बनने वाला था, वो जो सामने आपको थोड़े बहुत दिख रहे डिपॉजिट्स वहाँ पे ही बनने वाला था। मैं भी जूम करता हूँ, यहाँ पे इस साइड में काला वाला ताजमहल बनने वाला था, बट अब वो बना नहीं, उसके जो मार्बल वगैरह जो थे पीसेस वो अभी भी पड़े हुए हैं वहाँ पे।